तीसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नेप्थलिन बॉल्स डिजेपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. एंड नंबर बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. यानी कि हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि नेप्थलिन बॉल्स जो होते हैं वो डिजेपियर हो जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं टाइम के साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो यहाँ पे नेप्थलिन बॉल्स क्या है, वो जो कपूर कहते हैं शायद हिंदी में, तो कपूर को अगर आप रख दीजिए कपड़े में तो आप देखिएगा कि कुछ समय बाद गायब हो जाता है, या फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमें देना है. और सेकंड क्वेश्चन है कि परफ्यूम का जो स्मेल होता है, हमें थोड़ी दूर से ही हमें वो स्मेल कैसे मिल जाती है. ठीक है, तो इसका रीज़न यानी कि इसका कारण हमें देना है. तो देखिए मैंने क्या लिखा है आंसर में, नेप्थलिन बॉल्स डिजेपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो जो कपूर जो होता है वो टाइम के साथ, समय के साथ वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं. और वॉलेटाइल का मीनिंग ये होता है कि जो सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस नहीं होगा, डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है. सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है. तो नेप्थलिन बॉल्स सब्लिमेशन प्रोसेस जाने का एक एग्जाम्पल है. नेप्थलिन बॉल्स सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, यानी कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गायब हो गया है. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि हम परफ्यूम का स्मेल थोड़ी दूरी से ही कैसे हमें मिल जाता है परफ्यूम का स्मेल. तो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज व्हेन परफ्यूम इज अप्लाइड और स्प्रेड इट्स पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड अप विद द एयर एंड व्हेन दिस एयर रीचेज आवर नोज वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम दैट इज बींग स्प्रेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो इसका मतलब ये है कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, आप देखते हैं ना, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ड्रेस होता है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है. तो वो गीला इसलिए होता है क्योंकि वो परफ्यूम के पार्टिकल्स से गीले हो जाते हैं. तो परफ्यूम के पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा के साथ भी मिल जाते हैं. सारे परफ्यूम के पार्टिकल्स हमारे कपड़े में चिपकते नहीं हैं, कुछ हवा के साथ भी मिल जाते हैं. और जब हवा के साथ मिल जाते हैं तो हवा के साथ वो ट्रेवल करके हमारे नाक तक जब पहुंचते हैं तो हम स्मेल कर पाते हैं. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा में घुल मिल जाते हैं. ठीक है, तो हवा में घुलने के बाद जब हमारे नाक तक पहुंचते हैं तो हम उन्हें स्मेल कर पाते हैं. यानी कि इसका मेन कारण है परफ्यूम के पार्टिकल्स के हवा में घुलना, परफ्यूम के पार्टिकल्स का हवा में घुलना. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. तो परफ्यूम डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो करता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस अंडरगो करता है, इसीलिए परफ्यूम को हम सेवरल मीटर्स यानी कि थोड़ी दूरी तक स्मेल कर सकते हैं. चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं.